Now we are going to start a new variety of question on synchronous counter. Actually, अभी तक अपने को क्या given होता था? Counters का जो इसका diagram है, वो आपको clearly given होता था. और आपको क्या निकालना होता था? Modulus of the counter या sequence. जो भी state transition diagram है, वो sequence अगर अपने को पता चल गई, तो सारी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. क्लियर है? नाउ अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से रिवर्स ऑर्डर वाले हैं. रिवर्स ऑर्डर की सेंस में देखिएगा. कंसीडर द पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए टू बीट काउंटर. टू बीट काउंटर का मीनिंग क्या होता है? वो है अपना दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं. वन फ्लिप फ्लॉप इज वन बीट. यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप फॉलोइंग सिक्वेंस 03120 03120, ये सीक्वेंस है. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. मतलब ये मॉड 4 काउंटर है. क्यों? क्योंकि ये चार स्टेट्स हैं काउंटिंग की, चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सीक्वेंस में कर रहे हैं. ये उनका पार्शियली, जो पार्शियली इंप्लीमेंटेड काउंटर है वो है. आपको टी ए और टी बी की वैल्यू बतानी है. अभी तक हम क्या कर चुके हैं? टी ए और टी बी पता होता तो हम इसका स्टेट ट्रू टेबल बना करके ये सीक्वेंस निकाल लेते. अब ये ध्यान देना कि इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं. इस पे गेट 2004 में क्वेश्चन बना है. तो पहले इसे देखते हैं सॉल्व करने का तरीका. नाउ व्हाट इज एम एस बी? दैट इज ए. तो क्यू ए क्यू बी क्यू ए नेक्स्ट क्यू बी नेक्स्ट 0001 1011. ये अपना काम हो गया. नाउ 0 से 3 0 से 3 3 से 1 0 1 1 से 2 1 0 and 2 से 0. क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखना. नाउ व्हाट इज द एक्साइटेशन स्टेटमेंट ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप? टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन स्टेटमेंट है व्हेन एवर टॉगल इज रिक्वायर्ड या व्हेन एवर कॉम्प्लीमेंट इज रिक्वायर्ड एट इट आउटपुट टी मस्ट बी वन. इसका मतलब जब भी आपका आउटपुट आपको कॉम्प्लीमेंटेड चाहिए, टी की वैल्यू क्या होगी? वन. अब देखते हैं. ए से ये बना 0 से 1, इट मींस टी ए क्या रहा होगा? 1 रहा होगा. उसी तरीके से 0 से 1, टी अभी भी 1 रहा होगा. 1 से 0 अभी भी 1 रहा होगा. एंड 1 से 0 अभी भी 1 रहा होगा. मतलब इन ऑल 4 केसेस टी अगर 1 रहा होगा तो हमारा इसका एक्सप्रेशन जो क्यू ए और क्यू बी की टर्म्स में लिखोगे तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट? 1. नाउ टी बी 0 से 1, ओके. 1 से 0, ओके. मतलब मैं कैप उस जगह पहना रहा हूं जो टॉगल हो रहा है. बात समझ में ही? नो. 0 से 0 नहीं. 1 से 1 नहीं. अगर सेम रह रहा है मतलब टी 1 है. क्यों? क्योंकि अपने टी की ट्रू टेबल क्या पड़ी थी? अगर टी 1 है तो कॉम्प्लीमेंट करो, टी 0 है तो सेम रखो. सेम है तो टी 0 है, कॉम्प्लीमेंट हुआ तो टी 1 है. नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टी बी? इसका एक्सप्रेशन लिखो तो लिखोगे क्यू ए बार क्यू बी बार प्लस क्यू ए बार क्यू बी. क्यू ए बार कॉमन लिया तो क्यू बी बार प्लस क्यू बी एंड इट इज 1. आंसर इज क्यू ए बार.
TB is nothing but QA bar, मतलब जो Q है उसका बार, तो हमें पता है इसका बार ये वाला है, क्यों? क्योंकि अलग से एंड और नॉट गेट लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप मेंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन. क्लियर? नाउ ये तब था जब ये दोनों क्या फ्लिप फ्लॉप थे, टी फ्लिप फ्लॉप. नाउ मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, प्लीज इस चीज को लिख चुके हैं ना, ये चीज समझ चुके हैं. नाउ अगर ये डी टी की बजाय डी फ्लिप फ्लॉप होते दोनों, बस समझ में आई, तो ये चीज आप कॉपी कर लीजिए, ये क्लियरेंस हो गया. नाउ मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं. क्लियर? नाउ अब सुनना, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. अगर डी, अगर ये डी फ्लिप फ्लॉप है, व्हाट इज डी एंड व्हाट इज डी ए, व्हाट इज डी बी. नाउ डी फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है, डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन स्टेटमेंट क्या कहता है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड एट आउटपुट इट मस्ट बी अप्लाइड एट डी. जो आप डी में अप्लाई करेंगे वो आपको एक क्लॉक के बाद आउटपुट में मिल जाएगा. इट मीन्स आउटपुट इज दिस ओनली. अगर आउटपुट आपका ये है तो पहले कुछ भी स्टेट हो जो आपका डी रहा होगा वो आपको आउटपुट में मिला होगा, और ये सुनना, डी ये रहा होगा तो ये आउटपुट, और डी बी ये रहा होगा तो ये आउटपुट. तो क्या रहा होगा, सेम 1 1 0 0 1 0 0 1. नाउ ये बात हम जानते हैं, ये क्या है, क्यू ए बार. तो पहले तो भैया इसी को क्या करो, जोड़ दो क्यू ए बार, और ये क्या है, क्यू ए और क्यू बी का नॉर. तो ये नॉर क्यू ए और क्यू बी का, अगर ये डी फ्लिप फ्लॉप है दोनों, तो बात समझ में आई. मतलब अगर ये डायग्राम पूरा क्लियर होता तो आप ये सीक्वेंस बनाते और आपका ये ट्रांजिशन डायग्राम होता, स्टेट ट्रांजिशंस डायग्राम ऐसा होता. बात समझ में आई, अगर ये पूरा डायग्राम आपको क्लियरली दे चुका होता तो मैं पहले, और अगर आपको निकालना होता है तो ये एक प्रोसीजर होता है. क्लियर? इज देयर एनी डाउट?